गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज संजीव। तो आज के वर्कआउट वीडियो में मैं आपको एक ऐसा टिप बताऊंगा जिससे कि आपके मसल एक हफ्ते में 2 इंच बढ़ जाए। गाइस, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, एक ऐसा टिप जो आपको डेवलपमेंट में एक अच्छा यूज होगा। आप जब एक्सरसाइज करोगे वर्कआउट, ये वैसा वर्कआउट आप बैठ करके देखिए, आपके मसल अच्छे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आप ऐसा लगेगा कि एक अच्छा वर्कआउट किया है। ओके, सो वर्कआउट जानने के लिए क्या करना है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स डू द वर्कआउट। सो गाइस, ये वर्कआउट करने के लिए हमें एक बेंच, चेयर और स्टूल, कुछ भी जिस पे आप करेक्ट फॉर्म में बैठ सके। ओके, और वेट, मैंने एक लाइट वेट लिया है, लाइट वेट से स्टार्ट करिए। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, ज़्यादा लाइट दिख रहा है आपको, तभी आप हेवी पे जाइए। सो गाइस, जब अपन कुछ बाइसेप्स का वर्कआउट करते हैं, कॉमन मूवमेंट ये होता है, ये वाला जो एक कॉमन मूवमेंट है जिम में, देखोगे ज्यादातर लोग यही करते रहते हैं। पर गाइस, इस टिप में आपको क्या करना है, जो डंबल होता है उसके कॉर्नर में आप ग्रिप लेना है। ओके, बीच में ना होके एक कॉर्नर में लीजिए। मैं थोड़ा टी शर्ट भी ऊपर कर देता हूँ आपको बताने के लिए। ओके, कॉर्नर में पकड़िए डंबल, स्टेट नीचे रखिए, थोड़ा सामने झुकिए जिससे कि आपके शोल्डर्स कम से कम इन्वॉल्व हो। अब जब डंबल उठा रहे हैं, जब इस तरह स्क्वीज करिए जैसे आप बाइसेप्स किसी को बता रहे हो, और ऊपर जाके इसको आउटसाइड स्क्वीज करिए एंड होल्ड फॉर 4 to 5 seconds एंड स्लोली डाउन स्क्वीज, थोड़ा टाइट करिए बाइसेप्स, टर्न स्लोली डाउन। ऐसा करिए जैसे आप किसी को अपने बाइसेप्स बता रहे हो, पूरा स्क्वीज करिए, होल्ड करिए। आपका माइंड, मतलब आपका ध्यान पूरा आपके बाइसेप्स पे रहना चाहिए। स्क्वीज करिए अच्छी तरह से एंड स्लोली जाइए, आपके बाइसेप्स पे टेंशन बना रहना चाहिए। तो गाइस, अगर किसी को स्क्वीज करने में दिक्कत हो रहा है, डंबल घूम रहा नहीं है, सिंपल सा एक काम कर सकते हैं। जब आप, मैंने जैसे कि बताया, ऊपर कॉर्नर पे पकड़ना है तो जस्ट नीचे की कॉर्नर पे पकड़िए। आप देखिए, आप जब डंबल उठाओगे ये ऑटोमेटिक स्क्वीज हो जाएगी। जब ऊपर उठाओगे उसके वेट की वजह से, आपके ग्रिप की वजह से, इट विल स्क्वीज ऑटोमेटिकली। ट्राई इट, विल स्क्वीज ऑटोमेटिकली एंड स्लोली डाउन। ओके गाइस, सो आप कौन सा भी वर्कआउट कर रहे हो गाइस, ध्यान रखिए कि आपका माइंड मसल कनेक्शन बना रहे। ऐसा नहीं कि आप बाइसेप्स कर रहे हो, जस्ट कर रहे हो, आपका ध्यान कोई मूवी में चल रहा है या घर पे चल रहा है या यू नो वॉट एवर पर्सनल लाइफ उसमें चल रहा है। तो ऐसा करोगे तो गाइस आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनेगा और आपको उतना डेवलपमेंट नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हो, उतने चेंजेस भी नहीं आएंगे। सो बेटर बॉडी बिल्डिंग इज नथिंग बट आपके माइंड को मसल को कनेक्ट करना है। सो जब भी आप बाइसेप्स कर रहे हो, ध्यान रखिए पूरा आपके, आप ऐसा सोचिए कि आप एक मिरर में खुद को देख रहे हो, पूरा बाइसेप्स पे लगाइए ध्यान, स्लोली करिए। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो पूरा आपका ब्रेन को ट्रेन करिए कि उस पर कॉन्सेंट्रेशन हो, ना कि कहीं दूसरी तरफ। ओके गाइस, ये था छोटा सा टिप जिससे कि आप एक दो वीक में तो साइज नहीं बढ़ा पाओगे, पर आप करते रहिए, आपको डेवलपमेंट आपको दिखेगा। ये आप एक बार ये ऐड करके देखिए आपके रूटीन में, यू कैन फील द लाइक डिफरेंस, जैसे आप नॉर्मल करते हो या ये वर्कआउट ऐड करके देखिए कैसा लगा। कॉमेंट जरूर करिए, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके गाइस, स्टे नेचुरल, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।